नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो रुक करते हैं खबरों की तरफ, और यहां पे पहली खबर बदायूं से है। बदायूं में भारतीय किसान यूनियन टिकट गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकट ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे के भूमि अधिग्रहण में किसानों को सरकारी रेट से कम पैसा दिया जा रहा है। सरकार ने घोषणा की थी कि भाई सरकार बनने के बाद बिजली फ्री देंगे, फिर कहा एक साल में बिजली फ्री देंगे, जबकि फिर कहा कि मीटर लगवा लो बिजली फ्री मिलेगी। टेक्नोलॉजी का पता नहीं, मीटर उल्टे सीधे हैं या घोषणा पत्र गलत है। गौरतलब है चौधरी राकेश टिकैत किसानों की बिसौली में आयोजित महापंचायत पहुंचे थे, जहां 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बिसौली के प्राचीन रामलीला ग्राउंड में आयोजित महापंचायत में टिकैत ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अगली खबर देवरिया से। देवरिया जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने विशेष मतदाता सूची में संचित रूप से हो रही तब्दीली को लेकर तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने कहा है कि मतदाता बनने के लिए अब भी आप आवेदन कर सकते हो, इसके लिए लगातार यहाँ पर समय दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मतदाता सूची को लेकर भी तमाम तरह के जो व्यवस्थाएं हैं वो समय समय पर निकालते रहते हैं। विशेष मतदाता सूची संचित पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत फॉर्म 8 भरकर स्वयं को जनपद देवरिया के मतदाता के रूप में आप अपने आप को दर्ज कर सकते हैं। भाई इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग की दिशा निर्देश के अनुसार वर्तमान समय में मतदाता सूची पुनरीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के साथ साथ उनके पते में भी परिवर्तन किया जाएगा। वहीं नाम का विलोपन और मतदाता पहचान पत्र में नाम व पते से जुड़ी त्रुटियों को भी सही किया जाएगा। इसके लिए फॉर्म 8 भरकर आवेदन करना होगा, और ये बेहतर विकल्प है आगामी व्यवस्था को चलते अपने आप को मतदाता सूची में लाने का। मतदाता सूचियों का बृहद पुनरीक्षण अभियान इस समय जनपद में संचालित हो रहा है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने सभी अधिकारियों का मतदाता सूची के बारे में जब पता किया तो मैक्सिमम के बारे में ये पता चला कि उनके पूर्ववर्ती तैनाती के जनपदों में सबके जो है वोटर कार्ड बने हुए थे। तो हमने सारे अधिकारियों से स्वयं को इंक्लूड करते हुए ये अपील की कि वो अधिक से अधिक संख्या में फॉर्म 8 भर के देवरिया की मतदाता सूची में अपना नाम संलग्न कराएं, और फॉर्म 8 के माध्यम से जब फॉर्म को प्रोसीड किया जाएगा तो जो पूर्ववर्ती जनपद में जहां पर उनके मतदाता सूची में नाम था वो ऑटो डिलीशन मोड में जाएगा। अगली खबर अलीगढ़ से। प्रदेश भर में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री को तत्काल रूप से रोक लगाने के निर्देश के बाद सख्ती का दौर शुरू हो चुका है। वहीं अलीगढ़ में हलाल प्रमाणन सामग्रियों पर लगी रोक के बाद अब औषधि विभाग के अलीगढ़ नगर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। SDM अमित कुमार भट्ट के नेतृत्व में औषधि निरीक्षक दीपक लोडी सहित अन्य टीम ने शहर के मैरिस रोड स्थित गीतांजलि स्टूडियो का निरीक्षण किया, जहां हलाल सर्टिफाइड कोई भी उत्पाद नहीं पाया गया। वहीं सिटी सेंटर मॉल स्थित लक्स सैलून के निरीक्षण में कोई भी हलाल सर्टिफाइड उत्पादन नहीं पाया गया। वहीं DM की मौजूदगी में शहर के कई सुपरमार्केट में भी छापेमारी की गई। आज अलीगढ़ जनपद में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट के संबंध में कार्रवाई की गई है। जो औषधि व प्रसाधन सामग्री के अंतर्गत जो 1940 जो हमारा एक्ट है उसके अंतर्गत जो कार्रवाई की गई है, इसमें जो ऐसी सूचना जो शासन स्तर से प्राप्त हुई थी कि कुछ हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में बेचे जा रहे हैं, जो कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे जो एक्ट के मुताबिक की लेबलिंग में इस तरीके का कुछ लिखा जाए कि ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। खबर औरैया से है। कोतवाली इगलास क्षेत्र में बीते दिन सड़क हादसे में महिला की मौत के दौरान परिजनों के द्वारा अलीगढ़ मथुरा रोड पर जाम लगाने के बाद रास्ते से जा रहे राहगीरों के साथ जमकर मारपीट की गई, और इसका वीडियो मीडिया पर वायरल भी हुआ है। आपको बता दें सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद कोतवाली इगलास के हरदेवी कोल्ड स्टोरेज के समीप अलीगढ़ मथुरा रोड को जाम किया गया था, जहाँ पुलिस की मौजूदगी में मृतका के परिजन लोगों से मारपीट करते दिखे। अगली खबर फिर अलीगढ़ से। अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके के गांव गोविंदपुर फगोई की रहने वाली एक मासूम बच्ची ने अपनी ही माँ से जान का खतरा बताया। बच्ची ने रोते बिलखते हुए कहा कि एक अंकल मेरी माँ के पास आते हैं जिनके साथ मेरी माँ मुझे बहुत मारती है। बच्ची के दादा का कहना है कि ये मामला थाने पहुँचा था, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को दादा के सुपुर्द कर दिया है, लेकिन बच्ची ने अभी सहमते हुए अपनी माँ से जान का खतरा बताया है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमि है। भूमि कहाँ पे रहती हो? मैं देवनगर कॉलोनी अलीगढ़ में रहती हूँ। बेटा क्यों रो रही थी आप, क्या हुआ है?
मेरी मम्मी मुझे मारती है। क्यों मारती है मम्मी? मम्मी इसलिए मारती है, मुझे छोटी छोटी बातों पे मारती है। एक नितिन नाम का लड़का, उससे भी पिटवाती है मुझे। कौन है वो लड़का? वो मेरे गांव का रहने वाला है। आपकी मम्मी कुछ, पापा कुछ नहीं कहते? मेरे पापा को भगा दिया है गांव। हाँ, गांव 5 महीने पहले। आपको क्यों मारती है वो? छोटी मोटी बातों पे यूं ही पीट देती है। क्या वजह है बेटा, क्यों मारती है तुम्हारी मम्मी? वो उस नितिन की बात पे, क्योंकि मैं इनसे बात कर लेती हूँ इसीलिए। अब आप इतने डरे हुए क्यों हो? मेरी मम्मी मुझे जान से न मार दे, इसलिए डरे हुए हैं। हाँ। आप पुलिस अंकल के पास गई थी? पुलिस अंकल के पास गए थे आप? हाँ। कब गए थे? परसों। फिर क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे मेरी मम्मी मुझे ले जाने की कह रही थी। मेरी मम्मी मेरे मौका मिलते ही मार देंगी। ये बच्ची साहब हमारी मतलब नातनी है। क्या हुआ है, क्या पूरी घटना है, पूरी घटना बताइए। घटना ये है कि इसकी माँ 3-4 साल पहले अलीगढ़ आ गई थी इसको लेके, और अब उसके दूसरे से संबंध हो गए हैं। अब इस लड़की को मारती पीटती है और टार्च करती है, और सर 2 महीने से रात को लड़की उससे छुप के फ़ोन करती है मुझसे कि बाबा मुझे कैसे भी बचा लो। अब साहब दिवाली की छुट्टी पर मैं कैसे भी उससे इसे ले आया, और मैंने अपने यहाँ 10 दिन रखी, फिर उसके हैंड ओवर करके आया। और फिर उसके चाचा पर ये 17 तारीख को मैंने स्कूल से और दस्तखत करवा करके और लड़की को मंगा लिया, और साहब उसने दुनिया भर का हंगामा किया, पुलिस ला ये कर वो कर। फिर साहब मामला हमारा लोधे थाने पहुँचा, हम साहब सारा गांव प्रधान समेत वहाँ पहुँचा, और इंस्पेक्टर साहब ने लड़की के बयान लेकर के लड़की को साहब हमारे हैंड ओवर कर दिया। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा के तमाम दावे करते तो साथ ही महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर खुद नज़र बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में ही दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक महिला ने चिन्हट पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का आरोप है कि कॉलोनी में रहने वाले कुछ दबंग छेड़छाड़ करते हैं, साथ ही विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी देते हैं, लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग रेंट पे रहते हैं, वहाँ सामने वाले कुछ लड़के रहते हैं जो बहुत परेशान कर रहे थे। मतलब मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने उनको एक दो बार बोला कि आप लोग ये पटाखे फोड़ रहे थे, और रात में तो काफ़ी रात हो चुकी थी, 11-12 बजे वो लोग पटाखे फोड़ रहे थे, तो मैंने मना किया कि मेरी तबीयत खराब है मत करिए, तो कह रहे थे कि फोड़ेंगे, जाओ जो करना है कर लो। अगली खबर गाजियाबाद से। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार को प्रतिबंध से जुड़ा आदेश जारी किया था। इस आदेश के मुताबिक हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं गाजियाबाद में सरकारी आदेशों के बाद भी हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट बाजार में बिकते नजर आ रहे हैं, जिस पर गाजियाबाद प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध उत्पादों पर सीज कर उनको सीज भी किया जा रहा है। गाजियाबाद में खाद्य औषधि विभाग के अधिकारी स्टोर और दुकानों पर लगातार छापे मार रहे हैं, जहां भी हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनको सीज किया जा रहा है, साथ ही उनका सैंपल भी भेजा जा रहा है। जब हमें सूचना ये आदेश मिला कि ये हलाल मार्ग का प्रतिबंधित हो गई है, उसके क्रम में हम लोगों ने जो क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में निर्देशित कर दिया गया है कि जाकर कर कर करके जहां भी मिले उसे सीज करें और कार्रवाई करें। एक टीम के साथ मैं आया हूं यहां, तो पहले अभी 10 जो है नूडल्स का, एक जिस पर हलाला मार्का लगा हुआ था 4D ब्रदर्स के यहाँ, तो उनका जो सील कर 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 करके कि एक नमूना जो है भेज दिया गया है, जांच के लिए संग्रहित किया गया है, बाकी को सील करके रख लिया गया है। इसी तरह से कवि नगर में गोयल स्टोर के पास मैं आया हूँ, यहाँ कितने हैं, ये भी एक नूडल्स है, स्वीट कॉर्न चिकन सूप है, जिसमें से 18 पाउच मिले हैं, 100-100 ग्राम 40 ग्राम के पाउच हैं, और इनको सीज कर दिया जा रहा है और एक नमूना जाँच के लिए भेजा जा रहा है।
खबर गाजियाबाद के पौस इलाके में कौसाम्बी के एंजल माल में चल रहे एक ब्लू कैफे बार में कुछ दबंगों ने जमकर मारपीट और हंगामा किया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई हैं। दरअसल नाइट क्लब में पार्टी के दौरान 10 से 12 दबंग युवकों ने बार में तैनात एक बाउंसर की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद बार में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। वहीं इस घटनाक्रम में बाउंसर समेत एक और व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही पीड़ित की शिकायत पर 7 अज्ञात युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस मामले की जाँच और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास करने में जुट गई है। तो आज के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।